الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا زبل اندرو دے پاپڑی السلام تو السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مل کے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی کرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم شفیع سرکت اللہ ملجا و مأوا جنابی احمد مجتبی حبیبی کبریا جنابی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم آپ دی پاک بر گئے علیہ دے اندر ہدیہ گلدستہ دروش پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات گرامی اج دا خطبہ جمعۃ المبارک آپ احباب نو پتہ کہ ماہی رجب المرجب دا مہینہ اپنیاں عزتاں عظمتاں شانہ دے نال جاری و ساری ہے اللہ کریم دا کروڑ ہا مرتبہ شکر ہے کہ جس خالق کائنات نے ایک مرتبہ پھر رجب المرجب دا مہینہ حضور دی میرا شریف دا مہینہ سانو ویکھن دی توفیق عطا فرمائی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے اپنے محبوب نو تمام عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا رحمت بن کے آنا پھر آن کے اس جہاں دے اندر سما جانا بس جانا او دا بہت بڑا کرم ہے ساڈے اُتے وگرنا ہر عالمین دی خواہش سی کہ اسی نبی پاک دا دیدار کریے
ये हर आलम की रहमत है, ये हर आलम की रहमत है। किसी आलम में बस जाते ये उनकी मेहरबानी है, उन्हें ये आलम पसंद आया। ईसाइयां दा करम है, लजपालां दा करम है, उन्हें इस उम्मत नु कबूल किया। हुजूर दी मेराज शरीफ दा वाकया एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। उलमा फरमाते ने कि कुरान मजीद फुरकान हमीद तो बाद जड़ा सब तो बड़ा नबी पाक दा मौजज़ा है वो मेराज शरीफ है। की ये बोलो बोलो की ये मेराज शरीफ। हर आलम दी एक ख्वाहिश सी कि असी नबी पाक दा दीदार करिए, पर मेराज दी रात जिहड़े मर्तबे जिहड़े मकाम जिहड़ियां इज्जतां ते जिहड़ियां शानां अल्लाह ने हुजूर नूं अता कीतियां किसे नबी नूं भी नहीं दित्तियां, किसे नबी नूं नहीं दित्तियां। नौजवानों हर साल असी इस माहे मुकद्दस दे अंदर हुजूर दी मेराज शरीफ दे तज़किरे नूं छेड़िया जांदा है, उह बे तफसील गुफ्तगू कीती जांदी है। इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक बख्शी इस साल फिर असी मेराज शरीफ दे इस वाक्य नूं बे तफसील इंशाल्लाह बयान करांगे। दुआ है कि अल्लाह करी मेरी जुबान ते कलमा हक जारी फरमा के जरिया निजात बनाए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही, पाक यो ज़ात सुबहान, पाक यो ज़ात खास यो ज़ात सुबहानल्लज़ी अल्लज़ी वो जो पाक यो ज़ात असरा बि अब्दिही जिसने सैर कराई बि अब्दिही अपने बंदे नु, वो जो जिसने सैर कराई अपने बंदे नु। अच्छा असरा इदा माना ये सैर करना, ते सैर भी दिने दी सैर नहीं, अहले लुगत ने लिखिया कि असरा तो मुराद रात दी सैर दा जिक्र है। पाक औजाद के जिन्हें सैर कराई या पाक औजाद जेड़ा लै गया अपने बंदे नु लई लन रात दे छोटी जी हिस्से दे विच, थोड़े जे हिस्से दे विच, लैलम मिनल मस्जिद हराम इलल मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम टू मस्जिद अक्सा तक पाक औजात जिड़ी अपने बंदे नु लै गई रात के छोटे जे हिस्से दे विच, मस्जिद हराम टू मस्जिद अक्सा तक, मिनल मस्जिद हराम इलल मस्जिद अक्सा अल्लज़ी बारकना हौला को, मस्जिद अक्सा जिदे इर्द गिर्द दाएं बाएं अल्लाह ने अपनिया बरकत रखी हुई नूरियाहू मिन आयातिना, ताकि उदियां निशानियां नूं वेख्या जाए। इन्नहू हुवा समीउल बसीर, बेशक बड़ा बड़ा सुनन वाला भी है ते वेखन वाला भी है, बहुत बड़ा सुनन वाला भी ते वेखन वाला भी। इस आया करीमा के अंदर अल्लाह ने हुजूर दी मेराज का जिक्र किया। दुनिया का कोई भी ये कोई याद रखे जो उठ के आके के हुजूर नु मेराज नहीं, कुरान दी नफी करेगा, वो आखेगा जी नहीं हो सकता, एक किवें हो सकता। वैसे तवज्जो है, इंज ना बोलिया करो, डट के बोलिया करो सुभान अल्लाह। हुजूर का बहुत बड़ा मौजज़ा मेराज, मौजज़ा का जिहड़ा मादा इश्तिका के ना अहले लुगत ने लिखे आजीज़ा या जजु इज़न, इहदा माना हुंदा कि किसी चीज तो आजीज आ जाना, बंदे को ना होए, इहदा माना यह बंदा मौजज़ा निकलिया आजीज़ा या जजु इज़न, किसी शायद तो आजीज आ जाना, ना होना नामुमकिन, अकल नहीं मनदी। वो भी आंदे ने कि ये है ही नहीं, लेकिन तेनू मनना पेगा। कुरान कहता है पाक ओ ज़ात जेड़ी लै गई अपने बंदे नू रात लई लन रात दे छोटे जे हिस्से दे विच, मिनल मस्जिद हराम
इलल मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा तक छोटे जे हिस्से महीनों का सफर पैदल अगर बंदा वेखे जाए महीनों का सफर लगता पैदल मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा का रब कहिंदा रात के छोटे जे हिस्से बई जेड़ा इथों तक लैके जा सकता वह अगों भी लैके जा सकता है। इस आया करीमा दिन अल्लाह ने हुजूर दी मेराज का जिक्र किया और मेराज तीन तरह दी सुनो मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा तक हुजूर दी जमीनी मेराज कोई आखे ना मैं बंद करना चाहना मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा तक हुजूर दी जमीनी मेराज मस्जिद अक्सा तो लेके सिदरतुल मुंतहा तक हुजूर दी नूरानियत दी मेराज है। सुनो मस्जिद अक्सा तो लैके सिदरतुल मुंतहा तक हुजूर दी नूरानियत दी मेराज फिर सिदरतुल मुंतहा तो लैके अर्शे उला तक हुजूर दी हकीकत दी मेराज मेरे नबी दी हकीकत दी मेराज गोया पता लगया मेराज दी रात शबे मेराज अल्लाह ने अपने महबूब दी हर सिफत नू मेराज कराई। दुनिया का कायदा जाबत है कि जेड़ा बंदा सफर करे ना गड्डी दे विच कराची उन्हें सफर करना है या जहाज दे विच बैठा दुबई गया उन्हें फिरिया दुनिया फिरी है एक कायदा कानून है जेड़ा सफर करे वो अपना सफरनामा खुद लिखता है अपना सफरनामा खुद लिखता है मैंने फुलां फुलां शहर के अंदर में गया तो वो अपना सफरनामा किताब लिखेगा किताब दे विच सफरनामा खुद लिखेगा। इब्ने बतूता बड़ा मशहूर है याद रखे जे तारीख के अंदर उसने पूरी दुनिया फिरी उन्हें जो किताब लिखी उन्हें सम फ्रंट के उत्ते लिखिया सफरनामा अपना हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला ले आपने अद्धी दुनिया की सैर की आपने अपना सफरनामा लिखिया जेड़ा जेड़ा सैर करे अपना सफरनामा खुद लिखदा है। वाह कमली वाले तेरी अजमत कुर्बान जावा वाह कमली वाले मैं तेरी इज्जत तेरी शांत कुर्बान जावा सैर मुहम्मद अरबी करन सफर नबी करे ते बयान रब करे नहीं बोले बयान रब करे अल्लाह खुद कह रहा सुबहान लजी पाक ओ जात पाक ओ जात जेड़ी ले गई अपने बंदे नू रात दे थोड़े जे हिस्से दे विच रातो रात मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा तक तवज्जो है तो बोलो सुबहान अल्लाह। और मजे की मैं गल सुनावा रहती दुनिया तक दुनिया लिखती रहेगी हुजूर ने सफर किया हुजूर ने मेराज का सफर किया मेराज का परेशान मेराज का जिन्हों टेंशन नहीं है बोले सुभान अल्लाह हाँ जिन्हों है भी बोले सुभान अल्लाह मेरा कसूर नहीं तुहाडा अपना कसूर है मस्जिद में आउंदे हो तो अल्लाह के अगे हाथ उठा के दुआ मंगिया करो तो सुभान अल्लाह ये वो वे जिहड़ा एक बार आखिए तो टेंशन खत्म हो जांदियां ने है जन्नत च दरखत भी लगता है। तवज्जो करिया जे बई मैं दसना चाहना वा हर रहिंदी दुनिया तक हर बंदा लिखेगा कि हुजूर ने मेराज का सफर किया मेराज का सफर लेकिन कुरान ने आख्या सफर नहीं सैर की सैर की हुन ये जेड़ा सफर होंगे ना सफर वैसे लिखे अरबी का एक मकूला है सफर जेड़ा अल्लाह के अजाबों के विचों एक अजाब है। असी जहाज से भी बैक गए हैं ना थकावट फिर भी हो जाती है सुकून दे नाल असी एसी वाली गड्डी दे विच बैठ के भी सफर करिए फिर भी साडा जिस्म दे अंदर कमजोरी आ जाती है सफर सफर ही है। सैर बंदा करे एक दो मील ते बंदा थक जांदा है ते जे सफर करेगा ते चोखा थक जाएगा। अच्छा हुण तवज्जो करिया जी बंदे ने कोई दो चार मील सफर करना है सवेरे सफर करना राती उन्हें टेंशन लग जाएगी जेनी तौर पर थकावट हो जाएगी यार मैं फुलां जगह ते जाना फुलां बंदे नू मिलना है ये थका देगी ते जदों वो बंदे दा दिल करेगा मैनू सुकून मिले फिर वो बंदा सवेरे उठ के या असर दी नमाज तो बाद वाक करेगा सैर करेगा ताकि मेरी जेनी टेंशन खत्म हो जाए
ते मैं ठीक हो जा, मैं फ्रेश हो जावां। ईमानदारी दे नाल दस्सा जे वाह कमली वाले आ, मेरे मेरा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर जमीन तो चलदे ने ते अरशां ते जाके बह जांदे ने, फिर भी मेरा नबी मुसाफिर नहीं बनया। सुनिया जे मैं ते तुसी सफर करिए, असी गड्डी दे विच बैठिए। उलमा फरमांदे ने कि जेड़ा बंदा तीन मंजिला अपने घरों नीयत एक करके निकले ना कि उन्हें सफर करना है कि मैं फुला इलाके दे विच जाना है, तीन मंजिला नीयत करके घरों निकले, या वह बंदा कर चुकया सफर, वह बंदा मुसाफिर है। तीन मंजिला कितनिया ने? एक मंजिला आख्या जाता है। उलमा फरमांदे ने दिन ते रात बंदा पैदल सफर करे, इसनूं एक मंजिल आख्या जाता है। फिर तीन मंजिलों का यह पैदल दिन ते रात का सफर कट्ठा करके उलमा ने इहदा तखमीना लगाया तो कितना बनया? 92 कमो पेश 92 किलोमीटर। ऐ मुसाफर दी याद रखिया जी, जिहड़ी हद बंदी रखी गई है, अगर बंदे ने 92 किलोमीटर सफर करना है, इत्थों पिंडी जाना है, 92 किलोमीटर बन जाता है, तो बंदा मुसाफिर है। जो ही मुरीद के दी हुदूद दे विच्चों निकलांगे, जोर दी नमाज सानू साधु की पढ़नी पै गई है, असी मुसाफर हाँ, क्योंकि साडा टारगेट इस्लामाबाद का 92 किलोमीटर। याद रखा जी, असी इतों अपने शहर को छड़ के असी जो किसी दूसरे शहर से जावे, नौजवान असी मुसाफिर बन जाने। बा कमली वाले आ, तू फिर जमीन तो तुरे हैं, अरशा से तुर गए, फिर भी मुसाफिर नहीं बनया। अर्ज की अल्लाह वजह की है? तो रब ने दसिया वजह यह भी कि मुसाफिर उसनू आख्या जाता है कि जेड़ा अपने शहर के विचों निकले, गैर शहर के विच तुर जावे, जेड़ा अपने देशों परदेस हो जावे, उसनू मुसाफिर आख्या जाता है। पर मैं मेरा नबी तो मुसाफिर है ही कोई नहीं। अर्ज की अल्लाह वजह की है? रब ने फरमाया मेरा नबी जमीन तो तुर के आसमाना ते अरशे उला ते आन के बह गया, हुजूर तुसी ते मुसाफिर कोई नहीं। पूछया क्यों? फरमाया कमली वाले आ, ओ भी देश तेरा है, ए भी देश तेरा है, ओ भी देश तेरा है, ए भी देश तेरा है, ओ भी सल्तनत तेरी है, ए भी सल्तनत तेरी है, ओ भी बादशाही तेरी है, ए भी बादशाही तेरी है। नौजवानों पता लगया ते जिन्ना दी सारी मलकीयत होए ओ मुसाफिर बन दे, नहीं बोलो बोलो मुसाफिर बन दे, परदेसी बन दे। सोने तू तो परदेसी है ही कोई नहीं, ए भी शह ए भी देश तेरा, वह भी तेरा है, ए भी बादशाही तेरी, वह भी बादशाही तेरी। नौजवानों एवें नहीं, किसी शायर ने बड़ा सोहना तर्जमा किया, तवज्जो है तो बोलो सुभान अल्लाह, इंज ने मुहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। पिछले जुमातुल मुबारक से ऐलान किया गया कि पीर साहब तशरीफ लैके आना सी, लेकिन मसला बनया, उन्हें आख्या जी मैं नहीं आ सकता, ऐलान हो गया। गलबन एक बार पीछे भी एक ऐलान होया सी, नहीं सी पहुंचे, लेकिन आए तुसी कोशिश करनी कि तुसां जुम्मे ते इह नहीं कहना कि सियालवी साहब नहीं आना ते सानी, क्योंकि कोई पता नहीं लगता। तो उन्हें टाइम मिल अगला नैक्सट जुम्मा कट के उस तो अगले जुम्मे का टाइम दिता है, तो मेरी भी कोशिश होती, कई दोस्त फिर रह जाते हैं, हर बंदे की अपनी मुहब्बत होंगी है, तो तुसी कोशिश करनी, तुसी कुछ भी हो जाए तुसी मेरे फेसबुक पर जाके तुसी मैं अपलोड कर देना जुम्मे का जेड़ा भी खिताब हुंदा है, तुसी वेख लिया करो, तुहानू पता लग जाएगा। तो कई फिर दोस्त इतराज़ करते हैं, तो ये तुहाडी मुहब्बत है, तुसी वक्त दे नाल तशरीफ लैके आ जाते हो। एक बार मुहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह, डट के बोलो सुभान अल्लाह। मैं गया क्या सुभान अल्लाह, एक बार की जन्नत दे विच दरख्त लगता है, हाथ चुको तो बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। आओ बड़ा सोहना किसी ने तर्जमा किया, ते शायर बोल के कहना सिमराज इक राज़, सिमराज इक राज़, मुहब्बत दा ना
ना किसे दी अकल चा आन वाला सद्या तल पी ते गया मतलूब हो सी जिब्राइल सी सद ले जान वाला बाजे आख दे बिना दरबाजे आंदे शांत जान वाला अबरी अकल नो अबरी अकल नो एथे दखल का दा ओ जान जान वाला या ले जान वाला अबर अकल नु इत्थे दखल कादा जाने जान वाला या ले जान वाला अल्लाह ने यही फरमाया सुभान अल्लाह पाक ओ जात जिसने अपने बंदे नु सैर कराई रात दे छोटे जे हिस्से दे अंदर रब भी यही कह रहा मेरे महबूब वल ना वेखो मेनू वेखो ये ना आखो कि थोड़े जे वक्त दे विच किवें हो सकदा है रब कहिंदा मेरे महबूब ना वेखो मेनू वेखो मैं लैके जा सकना के नहीं है अबर अकल नो इत्थे दखल कादा जाने जान वाला जान लै जान वाला नौजवानो हुजूर दे मेराज दे अंदर तय जमानी भी है तय मकानी भी मैं दसना चाहना तय जमानी ते तय मकानी की होंदा है आओ अल्लाह दे कुरान ने दी मिसाल दी यौम नतवि समा कतई सिजिलिल कुतुब सुनया जे खालिक ने इरशाद फरमाया बेशुमार किताबां एंड करके लाइब्रेरी दे विच तुसी एंड सेन दे विच रख दोगना वो बिखर जान गईयां जिहड़ियां बिखरियां होईयां किताबां होंदियां ने वो चूखरियां लगदियां जदों उन्हां किताबां नूं ही इकट्ठियां करके तय दर तय लाइब्रेरी दे विच ला दित्तियां जानना वो सिमट जांदियां तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया यौम नतवि समा कतई सिजिलिल कुतुब तो खालिक ने फरमाया जमीन असमान सिमट जानगे इंज जिमें किताब नु समेट दिता जांदा वे जमीन असमान नु समेट दिता जाएगा इंज जिमें किताब नु समेट दिता जांदा तुसां देखिया जलजला आया नौजवानों ए शाम दे अंदर तुर्की दे अंदर और तुसी वेखे इतनी इतनी बड़ी इमारत बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकदा हकीकत इंज इंज गईयां ने वेखण लोकां ने वेखे सोशल मीडिया दे उत्ते कि जिमें कोई बंदा इंज करके शह नु धक्का नहीं मार हर शह खिलर गई हर शह बिखर गई एवं नहीं अल्लाह का कुरान कहता कल कयामत दिहाड़ा होगा ये कोठियां ये बिल्डिंगा ये पहाड़ ये इंज उड़ती होंगे जिमें हवा दे विच रूई उड़ती होंगी है हैं ये मंजर असा वेखिया दुआ करो कि सानू अल्लाह आखरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए आओ नौजवानों तवज्जो करिया जे तय जमानी ते तय मकानी मैं दसना चाहना वो तुसा कुरान के अंदर वाक्य कई दफा सुनिया अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहि सलातू सलाम एक दिहाड़े तो आपने तख्त लगा होया ते आपने अपने गुलामों नू आख्या भी गल लेवे ओ मुल्क सबा के अंदर मलका बल्किस मेरे को आ रही है आमन तो पहले पहले मेनु तख्त चाहिए तो काला इफरी तुम मिनल जिन एक जिन उठाया उन्हें कहा जी मैं लैके आना पूछे किन्नी देर दे विच काल उन्हें आख्या कबल अन तकूम मिन मकामिक तुसी उठोगे ते तख्त आ जाएगा तुसी उठोगे ते तख्त मेरे जुमले ते तवज्जो करया जे कबल अन तकूम मिन मकामिक तुसी अपनी इस जगह तो उठोगे ते तख्त आ जाएगा अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान फरमाते हैं कि नहीं मैनू इस तो भी ज्यादा जल्दी चाहिए तो फिर कौन उठाया अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत का एक वली उठाया जिसका नाम आसफ बिन बरखिया पढ़ा कुरान
गोडे थल करो ते चौकड़ी मार लो या दो जानो के बैठो मोहब्बत नाल हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। जिन्हों कोई मसला है वो बंदा खड़ा कर सकता है, हाथ चुको तो मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। वैसे भी गोटे अंज किते होते बंदे का मेढ का घुटे जाते सुभान अल्लाह निकलती कोई नहीं है। मैनू भी इंज लगता कि यार नहीं इंज नहीं मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। आओ नौजवानों तवज्जो करो जी, अल्लाह ने फरमाया वकाल लजीन दगुल मुमिन अल किताब वकाल लजीन दगुल मुमिन अल किताब अना आतीक बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक। नौजवानों तवज्जो करो आ जाए, अल्लाह दे नबियां दे नाल सुलेमान अलैहि सलातु व सलाम फरमांदे ने मैनूं मलका बल्कीस दा तख्त चाहिदा, ओदे आमद तों पहले पहले चाहिदा। जिन कहण लगा मैं लैके आवांगा, अल्लाह दे नबी फरमांदे ने किन्नी देर दे विच ले आएगा, कहिंदा क़ब्ला अन तकूमा मिन मकामिक तुसी उठोगे तख्त आ जावेगा। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने मैनूं इस तों भी जल्दी चाहिदा। नौजवानों आ सबन बरखियां उठे, आपने फरमाया मैं लैके आवांगा, अल्लाह दे नबी सुलेमान फरमांदे ने किन्नी देर दे विच लैके आएगा। सुपिन बरखियां बोल के कहन लगा, कहिंदा मैं अखियां बंद करके खोलोगे तख्तिया जाएगा। सुनिया जनो जवानो तवज्जो करे आ जे, अल्लाह दा कुरान कहिंदा वे अज करके अल्लाह दे नबी जने वेले सुलेमान ने सलातु व सलाम ने अखियां बंद करके खोलियां ने, सामने जमीन दे विचू तख्त पिया निकलदा वे, इंज तख्त पिया निकलदा वे जिवें जमीन दे विचू पानी दा चश्मा जारी हुंदा वे, इंज उबाले खांदा तख्त बारे आ गया। सुनिया जे नौजवानो तवज्जो करे आ जे, फिर मैनू कहना पैगा ओ अल्लाह दा बली आसम बिन बरखियां दे महल विच खड़ा वे, इत्थे भी मौजूद है, मुल्के सबा दे अंदर भी तुर गया वे, तख्त भी आ गया वे, वक्त किन्ना लगा वे, अख झपकी कोई नहीं तख्त आ गया वे। ईमानदारी दे नाल दस्या जे जे ओ बली तख्त ले आ सकदा वे, फिर रब अपने यार नो अरशां ते भी बुला सकदा। हाथ चुग जिंदाबाद। नौजवानों समझ आई कि नहीं? अकीदा बयान करना जी आई तो हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। आखे जी मैं लैके आवांगा, किन्नी देर च? आंदा जी उठो अपनी जगह तो तख्त आ जाएगा। फरमाया नहीं नहीं मैनू इस तो भी जल्दी चाहिए। तो आसिफ बिन बरखिया कहनगा जी अखियां बंद करके खोलोगे तख्त आ जाएगा। तख्त आ गया, सवाल पैदा होता है आसिफ बिन बरखिया ने क्यों नहीं आखिया जी तुम उठो तो तख्त आ जाएगा, नहीं बोले? सवाल पैदा होता है आसिफ बिन बरखिया भी कह सकता उठो तख्त आ जाएगा, उन्हें आखिया नहीं अदब की जगह, अदब की जगह। क्यों? मुर्शिद का काम होता है मर्जी ये साईं उठन या ना उठन, जो उठना चाहन ते उसे टाइम उठ जान, नहीं तो शाम भी हो सकती है। सूफिया ने अदाबे मुर्शिद विच लिखा है, अदबे मुर्शिद अंदर, कि जो मुरीद अपने पीर दे कोल जांदा ना ते मुरीद ए नहीं आंदा पीर जी जरा पैर मेरे अगे करे जे मैं कुटने तुहाडे पैर, इंज नहीं कदे होया। वो की करेगा? खुद अगे होएगा ते अपने मुर्शिद दे कदमां नूं दबावण दी कोशिश करेगा। कुक जड़ा आखेगा जे पीर जी जरा मैं इत्थे बैठा ते जरा मेरे पैर अपने उरां ले आया जे अपने, ये अदब दे खिलाफ है। नौजवानों उसनू भी पता सी, उन्हूं पता सी कि मैं ये नहीं करना, ये अदब दे खिलाफ है। ते अखियां जड़ियां उन्हें आखिया जी अखियां बंद करोगे तो खुलन गियां ते तख्त आ जाएगा। उन्हें आखिया जी अखियां ते मैं ते नहीं आखिया, वैसे भी तुसी बंद करके खोलनी ते है ना,
नहीं बोले मोहब्बत ना बोले सुभान अल्लाह। वैसे भी तू सब बंद करके खोलनी तो है ना, तो जिदू खोलोगे तख्त आ जाएगा। लेकिन उलमा फरमाते ने असल एदी होर भी वजह है, उदी वजह ए सी कि जिस वक्त उन्हें आखिया ना अखियां बंद करोगे अल्लाह ते नबी दियां अखियां बंद हो जाएगियां। ए जेड़ा आलमे ना सूते ना जाहर दा आलम जहाने इत्ते फिर बंद हो जाएगा, नौजवानों अखियां बंद हो जाएगियां। ते वह फिर अंदर का जेड़ा आलम होएगा ना आलमे लाहूत उदियां अखियां खुल जाएगियां। ते फिर यही होना है जी, टिल तुहाडा लग जाएगा ना साडा लग जाएगा। है नबी का टिल लगे तो अस बिन बरखिया का ना लग गया कि उन्हें कम किया। लै चलना पीरे बाहू दे दरबार से, नहीं नहीं हाथ चुके बोलो सुबहान अल्लाह। ऐ जेड़े पिछे भी हो बई तुसी डट के बोलो सुबहान अल्लाह। आओ नौजवानों तो बचो कहना पीरे बाहू फरमा देने, आ फरमा देने इलम अपने अपने कदे जोगार नहीं बनते जेड़े खोवादा की कमी ने पितुल कदे सोना ना बनी दा पावे चढ़िए लखी नगीने वाशुम कला कदे दाद नहीं मिली थी पाई में तैये लखी नगीने वहाँ पिनाया दबुदे नहीं होनी जातिया हजरत बागवां पावे मरिए शहरी मदीने। बिना अदब दे नहीं होनी जातिया हजरत बाहू पावे मरिए शहर मदीने हो। तवज्जो है इतने मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। आओ नौजवानों तवज्जो करना जेड़े बंदे कहंदे ने किवें मेराज हो गई अकल मन दी कोई नहीं। आओ मैं दसना चाहना वा हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी दे मुर्शिद करीम आप व्यक्तियां ने मस्जिद के अंदर नमाज पे पढ़ देने। नौजवानों तवज्जो करें आज मुरीदा ने पूछने आ कहन लगे मुर्शिद जी नबी पाक किवें मेराज करन गए ने किवें मेराज करन गए ने। सुनिया जे नौजवानों तवज्जो करें आज मुरीदा ने आख्या आसमान ते बुआ कोई नहीं आसमान के अंदर खिड़की कोई नहीं फलसफा भी आंदा मैं खिड़की कोई नहीं बुआ कोई नहीं। बोल के कह लगे नजपाला कि तू खिड़की ते बुआ कोई नहीं फिर नबी पाक किवें आसमाना की सैर करके आ गए किवें आसमाना ते तुर गए। सुनिया जे हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा इमाम राजी दे मुर्शिद करीम आ फरमांदे ने जरा मैनू मस्जिद मस्जिद के अंदर बंद कर देवो बारू ताला मार देवो। मुरीदा ने जड़े मैंने मस्जिद के अंदर आप बंद किया मैं बारू ताला मारिया मैं हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा कदे मस्जिद की दीवार के बिचू बाहर जाते ने कदे अंदर आते ने कदे बाहर जाते ने कदे अंदर आते ने तेना ने बोल के कहते ने ए मूसा की गल कोई नहीं ए गुजूर की गल ए तूर की गल कोई नहीं बड़ी दूर की गल कदी अंदर ते कदे बाहर ते बोल के आंदे ने इंज गए सब नहीं बोले मोहब्बत ना बोले सुभान अल्लाह। आखिया लो जी सताई रजबुल मुरज मेरे करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर अलैहि सलातु सलाम जदू उन काफरन नौजवानों मेरे नबी नु तकलीफां दितियां ना ते जदू तकलीफ होवे ना महबूब नु ते फिर वेखिया नहीं जांदा।
अजकल तो वेख लेंगे है ना भैन भाई भी मबू ये रिश्तेदार कोई ऐसा जिदे ना तुहाडा प्यार है भी तुहाडा मुर्शद है तुहाडा उस्ताद है तुहाडा बाप है बाप भी अगर तकलीफ दे विच ते पुत्र ने कदे नहीं आखिया सब तो वड्डा मुर्शद है यही होया ना कदे नहीं पुछिया अब्बा जी तुहानू कोई तकलीफ परेशानी है नहीं जो तू यार दुख दे विच होए ना याद रखे जो वो वेख्या नहीं जांदा भावे रब ही होवे तो जो इंज करके हजूर अखियां दे विच आंसू होण ते मेरे नबी ने अपनी कमली अपनियां अखियां दे उत्ते लई ते सरकार ने इशा दी नमाज पढ़ी हजरत उम्मे हानी दे घर चले गए किताबां दे विच आउंदा जदों हजरत उम्मे हानी दे विच घर गए ना ते जाके उत्थे चादर कंपनी कमली लई ते सरकार ने उत्ते लै ली ते जदों सरकार ने अपनी कमली लई है ना ते अखां दे विच निक्के निक्के आंसू नौजवानों खालिक ते जानदा ना अपने महबूब दे दर्द नूं ते अचानक फिर मंजर की होया अल्लाह ने जिब्रील नूं आवाज दित्ती तवज्जो है नहीं बोले जिब्रील नूं आवाज दित्ती जिब्रील कहिंदा मैं सिदरा ते बैठा वां अचानक मैनूं आवाज आई आवाज की आई जा जिब्रीला फरमाते ने मेरे अच्छा लो जी मैं सुर नहीं जल्ला नहीं फिर ना खेया दे तुसी मार दियो मेरे ना रोंद तुसी मैनूं चेक कर दियो इंज नहीं यार मुहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह मैं तुहाडे वास्ते कुछ लैके आया मां हुजूर दी मेराज असी बड़ी मुफस्सल मैं सुनानी भी इंशाल्लाह पढ़नी भी है ये तुहाडा ज़ौक चाहिदा डट के हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह आने करके आवाज आई जाज पीरीला यार नया जिब्रीला यार लिया मैनू यार मिलना जी करीदा पढ़िए जा जिब्रीला जा जिब्री जिब्रील बोल के कह लगा मैं सिदना ते बैठा वा मेरे कन्ना दे विच आवाज़ां आ रही ने अल्लाह फरमा रहा मैं जा जिब्रीला ओ यार लिया जा जिब्रीला यार लिया मेरा यार मिला जी करीदा होना यार महबूब दे होनी यारी महबूब दे सांगें ओ यार जना सिद्दीक ओ यार जना उमर फरूक ओ यार जना उस्माने गरी ओ यार जना मौला अली ओ यार बिलाल तलहा जुबैर अम्मार बिन यासर जड़े हार बिन नबी दे बूवे ते रहंदे ने नौजवानो शायर की कहंदा है शायर बोल के कहंदा वे ओ यार महबूब दे सांगे तुसी ना सवो मुहब्बत नाल पढ़ो होना यार महबूब दे सांगे ने तो सीधी रात बैठा की करीदा जल्दी कर नौजवानो तवज्जो करे आ जाए जिब्रील कह लगे अल्लाह हुक्म होवे अल्लाह ने फरमाया जरा चाथी मार जड़े वेले नौजवानो चाथी मारी जिब्रील ने पूछा या अल्लाह हुक्म होवे फरमाया वेख जरा अखियां तेरा महबूब आराम पिया करदा वे अल्लाह ने आख्या आराम नहीं करदा पिया मेरा यार दुखी वे मेरा यार दुखी है यार नु लैके आना वे यार नु लैके आना वे अज कीती अल्लाह हुक्म होवे अल्लाह ने आख्या जिब्रील जल्दी दे नाल जन्नत सजा दे दोज़ख पुजा दे सारे नबियां नु आखो अपनियां अपनियां कब्रां दे पिछू बाहर आ जान जाओ जाके मस्जिद अक्सा दे अंदर कतारां दे विच खलो जाओ हौरो गुलमान नु भी आखो सारे तैयारी करो मेरे यार दे इस्तकबाल वास्ते खड़े हो जाओ सुनिया जे नौजवान तवज्जो करे आ जे नबी भी आ गए जन्नत भी सज गई नौजवान दोज़ख भी बुझ गई उधर नौजवान फरिश्तियां जे हल चल मच गई फरिश्ते बोल के कह लगे जिब्रील अज खैर
जबरील किते कयामत नहीं आने वाली की बनया मैं जबरील बोल के कहते कयामत नहीं आने वाली उन्हें आखियां फिर तैयारियां कर दी और जबरील ने अमीन बोल के कहने लगे कयामत आती कोई नहीं अल्लाह दा यार लगाया रे अल्लाह दा यार लगाया रे आवे सुने आ जे नौजवानों तवज्जो करे आ रे फरिश्तियां भी खुशी दे अंदर उस हजरत दे विच झूमदे पे ने रब दा माखी आ रे आवे रब दा यार आ रे आवे रब दा हबीब आ रहा है दो जहान दा ताजदार आ रे आवे असी भी मुहम्मद दी दीद करनी है सदियां गुजर गईयां ने सालां दे साल गुजर गए ने असी भी मुहम्मद दे तज़किरे सुने ने मुहम्मद दीयां शानां सुनियां ने असी भी मुहम्मद दी दीद करांगे सुनिया जे नौजवानों फरिश्ते बोल के कहन लगे आंदे ने जिब्रील मुहम्मद किन्निया सदियां लई आ रहे ने किन्निया सदियां लई आ रहे ने जिब्रील ने बोल के आखिया सदियां दी गल कोई नहीं रात दे छोटे जे हिस्से वास्ते आ रहे ने थोड़ा जिहा टाइम है निका जिहा टाइम है थोड़े जे टाइम दे विच आ के तुर जाना वे फरिश्तियां दी अखां दे विच आंसू आ गए रो के कहन लगे आंदे ने सानू ते वक्त गुजर गया वे मुहम्मद दियां उडीकां करदे आ मुहम्मद दा इंतजार करदे आ ते बोल के कहंदे ने या अल्लाह ना ना कदा तेरा यार सदियां वास्ते आ जाए असी रज के दीद कर लईए जबरील ने अल्लाह दी बारगाह दे अंदर रखिया आखिया या अल्लाह सारे फरिश्ते एही बोल के कहंदे ने किन्ने वक्त वास्ते आ रहे ने मैं उन्हां नूं आखिया रात दे छोटे जे वक्त वास्ते आ रहे ने ओ बोल के कहंदे ने सदियां लई आ रहे ने मैं आखिया ना ना सदियां लई नहीं आ रहे रात छोटे जे सेवा ते आ रहे ने फरिश्ते रोंदे पे ने अल्लाह ने आखिया फरिश्ते आ परेशान क्या वा आखिया या लूडी का गुजर गईया ने तेरे माखी दा इंतजार करने वास्ते तुसी आंदे पे हो रात छोटे जे सेवा ते आंदे पे ने अल्लाह ने आखिया फरिश्तियों मैनू दस्या जे दिन कान लैके आंदा मैं आखिया या अल्लाह तुसी लैके आंदे हो रात कान लैके आंदा मैं आखिया या अल्लाह तुसी लैके आंदे हो अल्लाह ने फरमाया फरिश्तियों फिर टेंशन ना लवा मेरे यार नु सिदरा तू टप लैन दे असा ना दिन चढ़न देना वे ना रात मुक्कण देनी महबूब साडे ने आ जाना परेशान ना वो तवज्जो है अल्लाह तुम्हानू सलामत रखे मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह फिर मैनू कहना पेगा वा शबे असरा दिया तैयारियां तुसी भी तैयारी करके मेरे नाम लिख पढ़ लो वा शबे असरा दिया तैयारियां हाथ चुको मोहब्बत ना चंडे बना लो नहीं पढ़ना हला के मैनू पता लगे सारे सुनन बैठे हो वा शबे असरा दिया तैयारियां वा शबे असरा दिया तैयारियां अरिशियां रावा सजाया सारिया ए सारिया अरिशियां रावा सजाया सारिया ओ किसी तरह सोना गया आया किवें किसी तरह सोना गया आया किवें इत्थे आके सबे अकला हारियां ए हारियां इत्थे आके सबे अकला हारियां जी अल्लाह हुक्म भी फरमाया जा
कहा मेरे माही नू लैके आउना है, अर्ज की अल्लाह लैके आ जाने हैं, ते फिर तेरा ते महबूब होया ना ते फिर सवारी भी होनी चाहिए है ना। नहीं बोले यार मब्बा ना बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया सुभान अल्लाजी पाक ओ जात, पाक ओ जात, सुभान अल्लाजी असरा बि अब्दिहि, जिसने अपने बंदे नू सैर कराई, ना ओदा पता कौन पाक ते ना ओदा पता बंदा कौन है। नहीं बोले मोहब्बत ना बोले सुभान अल्लाह। ना ही पता कौन पाक है, ऐ तुसी वेख्या होएगा साडा कोई भी वजीर आजम बार जदों सैर ते जांदा ना ते हुंदा इंजे, वजीर आजम खुद हेडलाइन नहीं दिंदा, लो जी मैं सैर ते गया हूं। जड़े दे छोटे बंदे होंदे ना सारे वजीर मशीर, वो फिर मीडिया नू देंदे ने अपना इंटरव्यू, ते मीडिया फिर खबर नशर करदा है कि वजीर आजम साहब फलां मुल्क दे अंदर दौरे ते सैर ते गए ने। छोटा बंदा वजीर आजम दी उस सैर नू दसदा है, वाह कमली वाले आ तेरी अजमत कुर्बान जावां, तेरी सैर दे बारे ते रब कहिंदा पिया है पाके उजात जेड़ी लै गई अपने बंदे नू, ते फिर किवें पता लगेगा बंदा कौन है, फिर जिन्ने कराई ते फिर जिन्नू लैके गया ए पता आप ही लग गया जी सवारी तो होनी चाहिए। अच्छा तुहानू तो सामने होएगा दरवाजे ते दस्तक होए ना, ते अब्बू जी तुहानू फला बंदा मिलन आया, ते प्यो आखेगा पुत्रा जाऊं का घर कोई नहीं। अच्छा ये भी सीन हुंदा है, एक सुन लवो, फिर इंज भी हुंदा है दरवाजे ते दस्तक होए ते पूछा जी मैं तुहाडे पापा नू मिलना है, तो बच्चा आखेगा अब्बू जी आए ने, अच्छा पुत्र उहनू जरा ड्रिंक रूम दे विच बिठा, बैठक दे विच उहनू जरा बिठा ने मैं मिलना वा। इंज भी हुंदा है दरवाजे ते आवे ना बैल देवे ना, ते फिर वो अंदर वाला कहिंदा कि यार तू बैल नहीं सी देनी, तू डायरेक्ट अंदर आ जाना जी, तू ते माशाल्लाह तेरा अपना घर है। इंज भी हुंदा है ते कदे कदे इंज भी हुंदा है, ते उहने पैगाम सिर्फ भेजिया हुंदा आख्या हुंदा कि तू खुद नहीं आउणा, असीं गड्डी भी भेजांगे ड्राइवर भी भेजांगे लै भी जावांगे छड्ड के भी तुर जावांगे। इंज भी ते हुंदा है ना, तो महबूब आराम फरमा रहे जिबरील तू आज ड्राइवर बन के जाना है ते सवारी दा इंतजाम कर। या अल्लाह केड़ी फरमाया जन्नत चला जा मैं 70,000 बुराक अपने महबूब वास्ते संभाल के रखने, जेड़ा तेनू सोना लगता ना तू उन्हों लै जा। जबरील ने करके वेख्या झाती मारी सारे उछलते कूदते पे ने अपनी अपनी मुहब्बत का मुजहरा पे करते ने, ते जबरील ने करके जड़े वेले एक नुक्कर दे विच वेख्या एक सुक्का जिहा बुराक है गोडियां विच सिर दित्ता, ते ओह बैठा ते जबरील तुरे तुरे कोल गए ने, ते जबरील ने कहा हाँ भई उठ ओए उठ, वो सारे मुहम्मद की आमद दियाँ खुशियां पे करते ने, तेरी बरादरी सारी खुशियां पे करती है, ते तेनू खुशी का कोई चाह नहीं, तवज्जो है नहीं बोले मुहब्बत ना बोले सुभान अल्लाह। आओ नौजवानो तवज्जो करा, जबरील ने जड़े वेले तुरया तुरया तुरे तुरे दे करीब गए ने, जबरील उस पूरा आप दे करीब गए ने, नौजवानो तवज्जो करे आ जाए जबरील बोल के कहन लगे नौजवानो तवज्जो कर, जबरील कहंदे ने सारी बरादरी तेरी मुहम्मद दे आमद दियां खुशियां पई कर दी है, तेनू खुशी कोई नहीं, गोडियां दे विचों सन चुक के कहन लगा ना ना मिलादी मैं भी मुहम्मद मिलाद मनावन वाला मैं भी हाँ, मैनू भी खुशी है सुनिया जा नौजवान तवज्जो करे आज ते आखिया तू रोंदा क्या मैं, उन्हें आखिया बुराक बोल के कह लगा ओ हस देन हस देन, उन्होंने दिल की भी तमन्ना है वे यार इरादी हो जावे असी पसंद आ जाइए, मैं रोना वा फरक ये नाम है कुछ यो हुंदे ने जेड़े हस के यार मना लेंदे ने, कुछ यो हुंदे ने जेड़े रो के यार मना। फरमाया फरक ये नाम है, तवज्जो है सुनिया जे नौजवानों, उन्हों इश्क लगा मुहम्मद दे नाल, इश्क लगा सी सरकार दे नाल, ए इश्क ए बुजुर्ग फरमांदे ने कि बूटी दा नाम है, किदा नाम है अपा बूटे बोलो तो सही किदा नाम है
ہے ایک بوٹی دا نام ہے اے بوٹی تساں ویکھ درخت تے چڑھ جے انگور دی بیل ہوندی انج دس انج ہوندی انگور دی بیل جویں پورے درخت تے پھیل جاندی ہے تو اے بھی درخت تے پھیلدی تے پھر او دا ککھ نہیں چھڈدی ہے ہے تاراں ہوندیاں نے تے اونوں سکا کے رکھ دیندی ہے اینوں محمد نال عشق لگا سی نہیں بولے محبت نہ بولو سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ بابا بلے شادی روح تڑپی تے آپ کی فرمان دینے مرشد والے بیٹھے کوئی بندہ کنجوسی نہ کرے ہاتھ چکو دے بولو سبحان اللہ آؤ بابا بلے شاہ فرمان دینے اک پل تہا اک پل تہا ساڑے ککھ تے کانگانے عشق ساڑے تن میں را حق پلتے بجاوے پانی دسو عشق دا در کیڑا اے بلے شاہ جتھے دل لگ جاوے بلے شاہ او جتھے دل لگ جاوے بلے شاہ او جتھے دل آ جاوے اوتھے آپ نظر نہ آوے بلے شاہ او جتھے دل آ لگ جاوے اوتھے کچھ نہیں اے سجیدہ بلے شاہ وہ جتھے دل لگ جاوے ایمینی پرما دے پہلی پاڑی لو جی اگلے جمعے تھی لائک چلیں گے انشاءاللہ تو اگلے جمعے حضور علیہ السلام جبریل دا آنا تے پھر جبریل علیہ السلام دا میرے نبی کریم دی بارگاہ دے وچ تشریف لے کے آنا پھر جبریل کیویں آئے کیویں لے کے گئے انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک دی ایتھوں ہی بات نو شروع کیتا جائے گا دعا ہے کہ اللہ کریم سانو سرکار دے نال پکی تے سچی محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین